आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? मिट्टी सत्य है, घड़ा झूठा है, और ये भैया तो कह रही है घड़ा सत्य है माटी झूठी है। भैया ओ सफेद शर्ट वाली लाला, बताओ माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? माटी सत्य है, माटी ही सत्य है। क्यों? क्योंकि घड़े में माटी के सिवा क्या है? घड़े में माटी के अतिरिक्त क्या है? कुछ एक आकार को घड़ा कह दिया गया है तो माटी, लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। भाई साहब जरा घड़ा दीजिए, जबकि है माटी पर कहा जाता है घड़ा। उसी प्रकार व्यवहार में संसार कहा जाता है। जैसे माटी ही घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमें जहाँ हम देखें सर्वं खलविदं ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करहिं विरोध। इसलिए हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। तो सत्य क्या है? आपने जो कान में झुमके पहने हैं या गले में मंगलसूत्र पहना है, इसमें मंगलसूत्र सत्य है कि सोना सत्य है? जोर से आभूषण सत्य होते हैं कि सोना सत्य होता है? जोर से। आभूषण तो कुछ भी बन सकता है, पर सोना तो सोना। उसी तरह जैसे हाथ की चूड़ी सोने की, कान के झुमके सोने के, गले का हार सोने का, सोने के आभूषण हजारों हो सकते हैं, पर सोना तो एक ही है कि नहीं? हाँ या ना? सोना कितने हैं? सोना एक है पर आभूषण हजारों हैं। उसी प्रकार जैसे एक ही सोना प्रत्येक आभूषण में समाया है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। चींटी से लेकर हाथी तक वही है, उसी की सत्ता है, उसके सिवा कुछ नहीं। आपके आभूषण से यदि सोना हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़ा रह जाएगा? उसी प्रकार आपके भीतर कौन है, यदि आपके भीतर से वो परमात्मा हटा दिया जाए तो आप मिट